दोस्तों बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आती है कि सर मुझे लमसम इन्वेस्ट करना है बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कैसे इन्वेस्ट करूँ और कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करूँ। तो मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि मैं क्या स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो 15 जून को ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो जो मैं स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मैंने अभी तक 8 लाख इन्वेस्ट कर रखा है। मुझे टोटल जो है 20 लाख इन्वेस्ट करना है, राइट? मुझे 20 लाख इन्वेस्ट करना है, लेकिन जो मैं स्ट्रेटजी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, मैं ऑलरेडी 8 लाख यहां पे इन्वेस्ट कर दिया हूं और 15 जून को यहां पे देख सकते हो कि इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए तो मुझे यहां पे 10% रिटर्न्स भी मिला है। तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि आपको अगर लमसम करना है तो कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, तभी आप वेल्थ बना पाएंगे। क्योंकि अगर आपकी स्ट्रेटजी गलत होगी और लमसम आप किसी फंड में या कहीं भी इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें रिस्क भी ज्यादा होता। तो रिस्क को देखते हुए कैसे हमें सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करना है, मैं अपना ओपिनियन और अपनी स्ट्रेटजी जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लमसम और SIP पे ऑलरेडी वीडियो पब्लिश हो चुकी है इस चैनल पे, तो अभी तक आप लोग इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि सर SIP में इन्वेस्ट करें या लमसम में इन्वेस्ट करें, तो इस वीडियो में मैंने डिटेल में समझाया है कि SIP बेटर है या लमसम बेटर है। ऑल राइट, अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा हमने डिस्कस किया कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर वन गो में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लमसम में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग 2 लाख लमसम करना चाहते हैं, कोई 5 लाख करना चाहता है, कोई 50,000 करना चाहता है, कोई यहाँ पे 10 लाख करना चाह रहा है, कोई 20 लाख, कोई 50 लाख। सबका मनी भाई का जो हिसाब किताब है सबका अलग अलग है। तो मेरे हिसाब में मान लीजिए मैं 20 लाख लमसम करने वाला हूँ, राइट? तो मैं क्या स्ट्रेटजी फॉलो करूंगा वो मैं आपको साथ साथ बताते चलूंगा। अगर आपको 1 लाख करना है, 2 लाख करना है, 5 लाख करना है, 10 लाख करना है, 50 लाख करना है या करोड़ करना है, तो जो मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा उस स्ट्रेटजी को आप भी अपने फंड के हिसाब से अप्लाई कर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि मैं 20 लाख लमसम कर रहा हूं तो आप भी 20 लाख लमसम करिए, नहीं। अगर आपके पास फंड ज्यादा है तो ज्यादा लमसम करिए, राइट? कम है, 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, तो उसमें स्ट्रेटजी फॉलो करिए, राइट? तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि इस वीडियो में मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक बार में कैसे निवेश करें वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, स्ट्रेटजी भी बताऊंगा। क्योंकि अगर आप वन गो में किसी भी स्कीम में या किसी भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें क्या क्या रिस्क है और स्ट्रेटजी देखना बहुत जरूरी होता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। और कब निवेश करें, टाइमिंग बहुत जरूरी है। अगर आपकी टाइमिंग गलत हुई तो आपका रिटर्न ऐसे गिरेगा, लेकिन अगर आपकी टाइमिंग सही हुई तो 2-3 महीने में आराम से 30-40% का रिटर्न्स भी बना सकते हैं। तो टाइमिंग, मौका मिले तभी चौका मारना है, ये आपको मालूम ही होगा। और मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा और हेल्थ चेक, बिल्कुल। अब जो मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा उसमें कुछ मैं आपको पैरामीटर भी बताऊंगा, वो पैरामीटर देख के आपको अपना लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, राइट? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत ही पावरफुल वीडियो है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक अभी कर दीजिए और जो लोग स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट लेते हैं वो वीडियो शेयर कर दीजिए ना, क्योंकि ऐसी पावरफुल वीडियो कहीं नहीं मिलेगी। अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो 3 चीज, 1, 2, 3, ये क्या क्या है भैया? तो आप लमसम करने जा रहे हैं, यस। तो 3 चीजें, जैसे मैं लमसम कर रहा हूं तो 3 चीजें मैंने इवेलुएट कर रखा है, तो आप भी लमसम करने जा रहे हैं तो ये तीन चीज क्या है? पहला है गोल, या आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट? आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो पहले अपना गोल और ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मेरे केस में मेरा गोल क्लियर है कि भैया मुझे अपना वेल्थ को कंपाउंड कराना है, अपने वेल्थ को बढ़ाना है। बहुत सारे लोगों का, आपके केस में गोल अलग अलग हो सकता है कि घर खरीदने के लिए कॉर्पस क्रिएट करना हो, रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हो, या बच्चों का एजुकेशन, बच्चों की शादी के लिए कॉर्पस क्रिएट करना चाहते हैं। तो पहले अपना गोल और ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लीजिएगा। और दूसरा है टाइमिंग, इन्वेस्टमेंट होराइजन। आप लमसम करने जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया है, लेकिन कब तक? मैं अपना बता देता हूं, तो एटलीस्ट मैं तो मानता हूं कि अगर आप इक्विटी जैसे एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो भैया 5 साल तो दो यार, एटलीस्ट 5 ईयर्स तो दीजिए, एटलीस्ट 5 ईयर्स तो दीजिए। लेकिन वहीं पे अगर किसी का इन्वेस्टमेंट होराइजन कम है, 6 मंथ है, 1 ईयर है, 2 ईयर है, क्या वो लोग लमसम कर सकते हैं? तो मेरे हिसाब से तो
थोड़ा सा रिस्क इसमें बढ़ जाता है। जो लोग 6 मंथ, 1 ईयर और 2 ईयर के लिए लमसम में इन्वेस्ट करते हैं, वही लोग करते हैं जिनको अच्छा खासा नॉलेज है। जैसे मुझे भी स्टॉक मार्केट का अच्छा खासा नॉलेज है, तो मैं तो 2 महीने में भी लमसम करके अच्छा खासा रिटर्न्स बना लेता हूं। लेकिन जो एक बिगनर्स है, उसको कुछ मालूम ही नहीं कि स्टॉक ऊपर नीचे क्यों जा रहा है, इस कंपनी का फंडामेंटल क्या है, इस कंपनी का वैल्यूएशन क्या है, ये सब मालूम ही नहीं है, तो किसी के कहने पर थोड़ी ना पूरा पैसा लगा देंगे, वो भी लमसम। तो एक्सपीरियंस नहीं है तो उनको एटलीस्ट 5 ईयर इक्विटी मार्केट में बिल्कुल समय देना चाहिए। जो लोग 6 मंथ और 1 और 2 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं, उनको अगर अच्छा खासा नॉलेज है, अगर आपको भी अच्छा खासा नॉलेज है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो मैं स्ट्रेटजी और वैल्यूएशन बताऊंगा, उसी हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और तीसरा है रिस्क टॉलरेंस। मान लीजिए 20 लाख रुपया, मान लीजिए मैंने इन्वेस्ट किया, 20 लाख मैंने इन्वेस्ट कर दिया और मार्केट नीचे आ गया, राइट? तो रिस्क देखना बहुत जरूरी है कि जो आप एसेट क्लास में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और कल को अगर परफॉर्म नहीं करता है, 6 मंथ उसमें गिरावट आती है, तो कहीं बीपी तो नहीं बढ़ने वाली है। तो रिस्क टॉलरेंस देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सबका रिस्क अलग अलग होता है। कोई मान लीजिए 100 रुपया इन्वेस्ट किया, मार्केट गिरते 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 उसका पैसा 70 हो गया, तो बहुत सारे धुरंधर हैं जिनको टेंशन नहीं है, क्योंकि उन्होंने अच्छे एसेट क्लास में इन्वेस्ट किया। जैसे मुझे कोई टेंशन नहीं है भैया, मार्केट गिर रहे तो गिरने दो ना, मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, 100 का अगर 70 भी हो गया कोई बात नहीं, मैं और इसमें एक्युमुलेट करूंगा। लेकिन जो बिगनर्स होते हैं, जो इनोसेंट रिटेल इन्वेस्टर, वो क्या है, जिनको नॉलेज नहीं स्टॉक मार्केट का, 100 रुपये इन्वेस्ट कर दिए एकदम बिल्कुल कॉन्फिडेंस में आके, मार्केट ऊपर से थोड़ा सा गिर गया, पैनिक में आ गए, ये 100 का यहाँ पे 90 हो गया, अब यहाँ पे 10% गिरते ही सांस अरे यार मेरा स्टॉक मार्केट बर्बाद कर दिया मेरे को, मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। सही कह रहा था मेरा दोस्त यार, एफडी बढ़िया है, भले इन्फ्लेशन रिटेल इन्वेस्टर को नहीं मालूम, बड़े भी जितने भी इंस्टीट्यूशनल हाउस हैं वो आपको मालूम है, ईएलपी प्लान, पॉलिसी बेचो, एफडी करवाओ, यही सब रिटेल इन्वेस्टर को बताया जाता है। जो बिजनेसमैन है, क्या बिजनेसमैन आके कभी बोलता है बिजनेस करो ना भाई, बिजनेस करो ना, वो बोलता है आके जॉब करो। तो देख सकते हैं कि 80-90% लोग 9 to 6 जॉब कर रहे हैं, समझ रहे हैं? तो मेंटेलिटी चेंज करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इक्विटी में तो रिस्क है, अरे रिस्क कहाँ नहीं है भैया, रिस्क कहाँ नहीं है, जैसा रिस्क वैसा रिवॉर्ड। और जो भी बैंक और ये सब इंश्योरेंस कंपनी वाले ये पैसा क्या अपने घर में रखते हैं, नहीं, ये भी इक्विटी मार्केट में ही लाते हैं। और इक्विटी मार्केट देख सकते हो लास्ट 15-20 साल से 12-13% CAGR का रिटर्न्स निकाल के दिया है, और बैंक वाले 6-7, अभी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, अदरवाइज तो 5-6 दे रहे थे इंटरेस्ट, तो समझा करिए। तो रिस्क टॉलरेंस देखना बहुत जरूरी है। तो जो लोग रिस्क नहीं ले सकते बिल्कुल, उसको तो इक्विटी मार्केट में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, उनको बिल्कुल फिक्स्ड एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहिए, उनके लिए एफडी सही है। और खास करके जो सीनियर सिटीजन है, उनके लिए तो मैं बोलूंगा कि सीनियर सिटीजन स्कीम में इन्वेस्ट करिए, सही है आपके रिस्क एपेटाइट से, राइट? उनको इक्विटी मार्केट में ज्यादा एक्सपोजर लेने की जरूरत नहीं है। तो ये 3 चीजें आपकी क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इमरजेंसी फंड लमसम करने जा रहे हैं, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, उससे पहले आपको देखना है अपना इमरजेंसी फंड, राइट? अब ऐसा नहीं कि टोटल हमारे पास 5 लाख रुपए है और इस 5 लाख को गए हम लमसम में इन्वेस्ट करने के लिए, बिल्कुल ये गलत स्ट्रेटेजी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो 5 लाख आप लमसम करने जा रहे हैं, आपके पास इमरजेंसी फंड है, अब आप ये बोलेंगे कि इमरजेंसी फंड क्या होता है, अरे बाबा जब इमरजेंसी आएगी तो देख लेंगे, नहीं, गलत। अगर आपको 5 लाख लमसम करना है तो उससे पहले आपके पास इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर आप 50,000 पर मंथ अर्निंग करते हैं, तो सिंपल सा है, 50,000 × 6 मंथ का मान के चलो यार, कि जॉब चली जाती है या कोई संकट या मेडिकल इमरजेंसी कुछ होता है, तो 6 मंथ का मान के चलो, तो ये कितना होगा, 5×6 3 लाख रुपया ये हो रहा है, राइट? 3 लाख रुपया आपको यहाँ पे अपने इमरजेंसी फंड में रखना चाहिए। तो मैंने आपको एग्जांपल दिखा दिया, 50,000 मंथली अर्निंग करते हैं, तो 6 मंथ का आपको इमरजेंसी फंड बना के रखना चाहिए। अगर आप 1 साल का रख रहे हैं तो वेल एंड गुड है। तो अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है तभी आपको लमसम के बारे में सोचना चाहिए। मेरे केस में यस, मेरा इमरजेंसी फंड है, इसीलिए अब मैं लमसम करने की सोच रहा हूँ, और क्यों सोच रहा हूँ वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो लमसम करने जा रहे हैं तो रिस्क, गोल, ऑब्जेक्टिव क्या है, और इमरजेंसी फंड नहीं है तो ऐसा नहीं कि इमरजेंसी फंड का ही पैसा लमसम कर दे, ना, गलत। आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको देखो एफडी से ज्यादा रिटर्न्स चाहिए तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। तो आपके पास रिस्क टॉलरेंस भी है, रिस्क ले सकते हैं, और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन भी 5 ईयर से ज्यादा ही है, 5 ईयर्स
प्लस है और आप रिस्क भी ले सकते हैं, राइट। तो एफडी में तो इन्वेस्ट करने का कोई बनतन नहीं है। तो अगर आपको हाई रिटर्न्स चाहिए तो कहाँ जाना पड़ेगा, शेयर मार्केट में, इक्विटी मार्केट में। तो इक्विटी मार्केट में अगर आप किसी डायरेक्ट इंडिविजुअल स्टॉक्स में अगर यहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें आपका रिस्क जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, रिस्क उसमें बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी एबीसी कंपनी में पूरा पैसा लगा दिए, जैसे मान लीजिए 20 लाख मैं इस कंपनी में निवेश कर दिया, राइट, 20 लाख मैंने एबीसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया और किसी कारणवश ये स्टॉक नीचे गिर गया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पंगा हो गया या इस कंपनी का सेगमेंट चेंज हो गया, तो मेरा पैसा पूरा यहाँ पे सुहा हो जाएगा ना, राइट। तो हमें अपना पैसा भी बचाना है और पैसा बचाने के साथ साथ हमें रिटर्न्स भी बनाना है। हम एफडी को बीट कर दें चलेगा भैया, 12-13% सीएजीआर का रिटर्न्स मिल जाए बहुत अच्छा है। देख सकते हो ये हमारे स्टॉक मार्केट ने, अगर मैं 15-20 साल का डेटा दिखाऊं तो स्टॉक मार्केट में जो हमारे निफ्टी 50 और जो सेंसेक्स है उसने सिर्फ 13% से भी ज्यादा का यहाँ पे रिटर्न्स निकाल के दिया है। एफडी में 5-6, 6-7 मिल रहा है अभी, और यहाँ पे इक्विटी मार्केट जो है 12-13% सीएजीआर का रिटर्न्स निकाल के दिया है सिर्फ सेंसेक्स ने। लेकिन इक्विटी मार्केट में कुछ दिग्गज कंपनियां हैं जो 20-20% का सीएजीआर हर साल निकाल के दे रही हैं, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि नॉइज नहीं, हमें कम रिटर्न्स मिले, सुकून चाहिए, रिस्क मॉडरेट चाहिए, हाई नहीं, रिस्क वुड बी मॉडरेट चलेगा, राइट। तो आपको 12-13% रिटर्न्स निकालना है, ये मैं सिंपल बता रहा हूं, 12-13% से ज्यादा ही रिटर्न्स आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको दिखाया यहां पे, ये देखिए 6-7 मंथ में मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया और यहाँ पे देख सकते हो 6-7 मंथ में यहाँ पे 10% से ज्यादा रिटर्न्स मिल रहा है इस फंड में, राइट। तो ऐसा नहीं कि 10-12% ही मिलेगा, ज्यादा भी मिलेगा, 40-50 भी मिल सकता है। कैसे मिलेगा अभी बता रहा हूँ, ये देखो, अब ये देखिए निफ्टी का ये चार्ट है, निफ्टी 50 का चार्ट है। अभी निफ्टी का रेट कर रही है 18,758 पे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 18,758 पे। आज क्या है, अभी मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूँ तो 15 जून है, राइट। 15 जून को निफ्टी अभी 18,758 के करंट प्राइस पे ट्रेड कर रही है। थोड़ा सा हम लोग फ्लैशबैक में चलते हैं, यहाँ पे कोविड में जब गिरावट आई थी, ये देखिए जब कोविड में गिरावट आई थी तो जो निफ्टी का पीई है, पीई हमें बताता है वैल्यूएशन। जैसे डॉक्टर के पास जाएंगे फीवर होता है तो क्या होता है, आला लगा के चेक करते हैं ना, थर्मामीटर भी लगाते हैं, राइट। तो उसी तरह से अगर हमें मार्केट का सेंटिमेंट पता करना है कि मार्केट का हेल्थ क्या है तो क्या करोगे, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा PE. तो PE से हमें मालूम चलेगा कि मार्केट को अभी फीवर हुआ है या मार्केट अभी हेल्दी है। तो अभी देख सकते हैं कि मार्केट में तेजी देखने को मिल रही है, तो मार्केट अभी अच्छा खासा नीचे से रिकवर हो गया है। तो 2020 में जब कोविड में गिरावट आई थी तो उस समय निफ्टी की जो PE थी 17.25 थी, और यहाँ पे देख सकते हो मार्केट रिकवर हो गया, मार्केट यहाँ पे रिकवर हो गया, और अभी निफ्टी की पी जो है 21.80 है। डेटा देखिएगा आप लोग, और यहाँ पे देख सकते हो जब कोविड में जब गिरावट आई थी और मार्केट जब यहाँ पे रिकवर हुआ था, यहाँ पे निफ्टी की जो पी थी 35 थी, और फिर यहाँ पे निफ्टी की पी जो है 43 तक पहुंच गई थी, राइट। तो अगर मान लेता हूं अगर मैं यहाँ पे लमसम करा होता, मैंने यहाँ पे लमसम करा होता तो मुझे क्या मिलता बताइए, 100 का यहाँ पे क्या होता, मेरा 70 हो जाता। वहीं पे अगर हम प्रीवियस में चले जाते हैं, यहाँ पे अगर मैं लमसम करता तो क्या होता, यहाँ पे गिरावट तेजी गिरावट, राइट। तो अगर आपको लमसम करना है तो टाइमिंग बहुत जरूरी है। अब आप ये बोलेंगे कि मुझे कैसे मालूम निफ्टी कब नीचे जा रही है, कब ऊपर जा रही है, कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ पैरामीटर दिखाऊंगा। उस पैरामीटर पे अगर निफ्टी 50 या सेंसेक्स का ये जो चार्ट है उस वैल्यूएशन पे मिले तो आपको लमसम करने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट आपको यहाँ पे मिले तो क्या आप लमसम करेंगे, नहीं। अगर आप टॉप पे जाके लमसम करेंगे तो मिलेगा सिर्फ क्या, तो ये नेगेटिव रिटर्न्स मिलेगा। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर मुझे कैसे मालूम कि मार्केट गिरने वाला है, कब ऊपर जाने वाला है, कब नीचे जाने वाला है, कब ऊपर जाने वाला है, कब ऊपर जाने वाला है, कब नीचे जाने वाला है। अगर मैं आपको सिखा दूं तो वीडियो को लाइक करेंगे बताइए, यस। तो इस वीडियो को लाइक अभी कर दीजिए, राइट। उसके लिए मैं आपको दिखाता हूं कुछ वैल्यूएशन। तो कोविड में जब गिरावट आई थी, अभी मैंने आपको बताया ना कि निफ्टी की पी जो है 17.25 पहुंच गई थी। तो ये देखिए पैरामीटर, इसको दिमाग में प्रिंट कर लीजिए, बहुत काम आएगा। अगर इसको दिमाग में यहाँ पे प्रिंट कर लिए, मेरे तो दिमाग में प्रिंट है। तो यहाँ पे देखिए ये पैरामीटर है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि डॉक्टर अपना यहाँ थर्मामीटर लगा के चेकअप करता है कि आपका फीवर कितना है, राइट, उसी तरह से ये मार्केट का क्या है,
मीटर है, या मार्केट का सेंटिमेंट बताएगा कि मार्केट अभी बीमार है कि अभी हेल्दी है। तो यहाँ पे देख सकते हो 17.25 था, कब 2020 में जब कोविड में गिरावट आई थी। तो जब भी निफ्टी का पी यहाँ पे देख सकते हो, मैं तो मानता हूँ 20 के नीचे चला जाए, जब भी निफ्टी का पी जो है 20 के नीचे चला जाए तब आपको लमसम करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर निफ्टी का पी 17 से नीचे चला जाए तो वेल एंड गुड है, अगर निफ्टी का पी 15 से नीचे चला जाए, 10 और 12 के बीच में अगर निफ्टी की पी मिले तो ऐसा बोला जाता है कि जो एफडी का अमाउंट है उसको भी मार्केट में डाल दो, मार्केट बहुत सस्ता हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो 2020 में कोविड में जब गिरावट आई थी तो उस समय निफ्टी की पी 17.25 थी। तो इस समय जिसने लमसम किया अगले साल आपको मालूम ही है 100% से भी ज्यादा का रिटर्न मिला। टाइमिंग मैंने आपको मीटर भी दिखा दिया, राइट। अब देखिए, लेकिन जब भी निफ्टी का पी आपको 23 करीब मिले, राइट, तो आपको एक्युमुलेट करना चाहिए, राइट। एक्युमुलेट बोले तो थोड़ा थोड़ा। अब इस जोन में अगर मार्केट जाने लगे तो आपको इन्वेस्टमेंट आपको यहां पे कम कर देना है, इन्वेस्टमेंट कम कर देना है। और जब भी मार्केट 25 के ऊपर चला जाए, जब भी निफ्टी का पी आपको 26 के ऊपर जाने लगे तो आपको सतर्क हो जाना है। जब भी निफ्टी का पी 28 से ऊपर चला जाए अलर्ट हो जाना है। जब भी निफ्टी का पी 30 से ऊपर चला जाए या 32 से ऊपर चला जाए या 34 से ऊपर चला जाए तो बिल्कुल ही आपको इक्विटी मार्केट में पैसा डालने से दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 10 बार सोचना है कि यहाँ पे अगर आपको मार्केट मिलता है, निफ्टी की पी अगर आपको 28 से अगर ज्यादा मिल गई तो बिल्कुल आपको अपना इन्वेस्टमेंट बंद कर देना है, इन्वेस्टमेंट बंद कर देना है। यहाँ पे देख सकते हो जब भी निफ्टी का पी हाई आ जाए तो आपको इन्वेस्टमेंट बंद कर देना है, आपको इन्वेस्टमेंट बंद कर देना है। समझ में आया? कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है? यहाँ पे पी सस्ता थी, यहाँ पे मार्केट की पी सस्ती थी। तो आपको ये ध्यान में रखना है, इस चार्ट को अपने दिमाग में प्रिंट कर लीजिए। जब भी आपको लमसम करना है तो निफ्टी का पी 20 से नीचे जाए तभी आपको लमसम करना है, याद रखें। फिर भी ऐसा नहीं कि निफ्टी का पी 20 के नीचे चला जाए तो पूरा पैसा लगाते, नहीं, अभी तो पूरी कहानी बाकी है। ये तो मैंने आपको सिर्फ टूल बताया। अब हम लोग पुराने डेटा पे आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे 20 लाख मुझे लमसम करना था, राइट। तो देख सकते हो कि लास्ट 6-7 मंथ से मैं एक स्कीम में यहाँ पे 1-1 लाख करके इन्वेस्ट कर रहा था, 1-1 लाख करके इन्वेस्ट कर रहा था, 1-1 लाख करके इन्वेस्ट कर रहा था। कब? जब निफ्टी की पी जो है 20.10 के आसपास आ गई थी। और अभी देख सकते हैं कि 1.5 महीने से मार्केट में रिकवरी देखने को मिल रही है, इसीलिए मुझे यहाँ पे देख सकते हो कि 10% से ज्यादा का रिटर्न मिल रहा है। और मुझे इन्वेस्ट करना है कितना? 20 लाख। मैंने इन्वेस्ट किया कितना अभी तक? 8 लाख। तो अभी हमें 12 लाख और इन्वेस्ट करना है, 12 लाख और इन्वेस्ट करना है। तो रिमेनिंग अमाउंट आगे देखिए, जब भी आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो देखिए समय देना पड़ेगा। और इक्विटी मार्केट में अभी तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, वैसे तो इस पैसे को मैं इंडिविजुअल स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकता हूं क्योंकि मेरा नॉलेज अलग है, राइट। लेकिन जो एक बिगनर से उसको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, राइट। तो आप लोग भी जब भी लमसम करें तो याद रखें एक साथ पैसा आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। याद रखें पहला काम, निफ्टी का पी जो है 20 के नीचे आ जाए, राइट। तो जैसे मान लो आपको 20 लाख इन्वेस्ट करना है तो स्टैगर्ड मैनर में कर लीजिए, 10-10% आपको 10-10% करके इन्वेस्ट करना है। कब? जब निफ्टी की पी जो है 20 के आसपास आए, जब मार्केट सस्ता आ जाए तब 40% आपको 4-5 महीने में इन्वेस्ट कर देना, चलो 50% मान लेते हैं, राइट। जैसे मैंने इन्वेस्ट किया और रिमेनिंग पैसा अभी मैंने बचा के रखा है क्योंकि आपको मालूम है कि आने वाले दिनों में 7-8 मंथ्स में लोकसभा का क्या है, इलेक्शन है। तो उस समय मार्केट क्या करेगा? गोता लगाएगा, अप एंड डाउन होगा। और मैंने तो 5 ईयर से ज्यादा का इन्वेस्ट किया है तो क्या करूंगा मैं, बताइए। अभी निफ्टी जो है 21, अभी भी मार्केट वैसे ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, अभी भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन अभी मैं वेट एंड वॉच कर रहा हूँ। क्यों? लोकसभा का इलेक्शन है, एक बड़ा इवेंट है। तो अभी मैंने पैसा होल्ड करके रखा है, कब? जब मौका मिलेगा तब चौका मारेंगे। अगर और मार्केट थोड़ा सा करेक्ट होता है, और बिल्कुल होगा, जनवरी फरवरी दिसंबर के लास्ट में मार्केट में फिर से आपको वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी ही मिलेगी, तो जो रिमेनिंग मेरा पैसा बचा है फिर मैं इसी फंड में क्या करूंगा, 1-1.5 लाख करके जब निफ्टी की पी 20 के आसपास मिलेगी तो इसमें लमसम करूंगा। तो आप भी याद रखें कि जब भी आप लमसम करें तो एक साथ पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको इतना पैसा 40-50% आपको इन्वेस्ट कर देना है और 50% आपको बचा कर रखना है। जब मौका मिले, जब मार्केट में ड्रेस्टिकली गिरावट आए तो आपको ये इसको भी 50% जो बचा है एक साथ इन्वेस्ट नहीं करना है। इसमें भी मार्केट का देखो कंडीशन देखना है, जैसे मैंने आपको बताया थोड़ा सा एक्सपर्टीज भी जरूरत है, तो आपको मार्केट का सेंटिमेंट अलोंग विद वैल्यूएशन भी देखना ही देखना है। तो मार्केट में जब भी गिरावट आए तब आपको इसमें पैसा इन्वेस्ट
करना है। इस तरह से अगर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो 12 नहीं ज्यादा भी रिटर्न्स मिल सकता है। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि किस में इन्वेस्ट करें, तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड भी हैं, उनमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने रिस्क के हिसाब से। लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा कि आप जो है किसी एक ETF को पकड़ सकते हैं। जैसे अगर मार्केट में गिरेगा, जैसे निफ्टी 50 का कोई भी ETF या HDFC सेंसेक्स का पकड़ सकते हो इंडेक्स प्लान, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उसमें रिस्क आपका मॉडरेट रहेगा और आपको मालूम है कि जिस तरह से मार्केट परफॉर्म करेगा उस तरह से HDFC इंडेक्स का जो सेंसेक्स प्लान है वो भी परफॉर्म करता है। तो मौका मिले तभी आपको लमसम करने के बारे में सोचना चाहिए। तो मैं एक बार से आपको जल्दी जल्दी रिमाइंड करा देता हूं कि कैसे आपको इन्वेस्ट करना है। पहला, गोल डिसाइड कर लीजिएगा। दूसरा, इन्वेस्टमेंट होराइजन एटलीस्ट 5 ईयर से ज्यादा तो आप इन्वेस्ट करिएगा। और दूसरा है रिस्क टॉलरेंस। रिस्क टॉलरेंस देखना बहुत जरूरी है। रिस्क नहीं ले सकते हैं तो बिल्कुल इक्विटी में मत इन्वेस्ट करिएगा। और तीसरा है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड है आपका, तभी आपको लमसम करने के बारे में सोचना चाहिए। और फोर्थ है निफ्टी का हेल्थ चेकअप। निफ्टी का आप लोग पी देखिएगा, अगर 20 के नीचे मिले तभी आपको लमसम करने के बारे में सोचना है। अगर निफ्टी का पी ऊपर मिले तो आपको लमसम करने से बचना है। और फिफ्थ है, जैसे अगर आपको 5 लाख इन्वेस्ट करना है तो एक साथ इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको क्या करना है इसको 50-50 कर देना है। 50 और 50, तो 50% आपको कैसे इन्वेस्ट करना इसको भी पार्ट वाइज कर लीजिए, 10-10 करके, राइट, 10-10% कर लीजिए 5 पार्ट में। जब भी निफ्टी 20 के आसपास आए तो आपको 50% पैसा इन्वेस्ट कर देना है और 50% बचा के रखना है। कब? जब मार्केट में कोई बड़ा इवेंट आ जाए और मार्केट में गिरावट आ जाए तब आपको 50,000 इसमें लमसम कर देना है। तो इस प्रोसेस में अगर आपको 1 साल भी लग रहा है तो 1 साल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं कि चलो आज ही पूरा पैसा लगा दे, नहीं, 1 साल में लग रहा है आपको लमसम करने में, करिए। तो इस तरह से अगर आप स्टैगर्ड मैनर में किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट कर देते हैं तो बिल्कुल आपको बेहतरीन रिटर्न्स मिलेगा। FD को तो बिल्कुल ही आप बीट करेंगे यार, FD को आप बिल्कुल बीट कर सकते हैं। मार्केट में होता क्या है, जब मार्केट में गिरावट आती है तो जो बड़े बड़े फंड हाउसेस हैं वो लोग भी इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो जब मार्केट सस्ता हो जाए, जब मार्केट में गिरावट आए तब आपको इसमें लमसम करने के बारे में सोचना चाहिए। अदरवाइज अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। हालांकि अगर आप किसी स्कीम में SIP कर रहे हो, आप SIP कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको SIP करते रहना है, मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, या ऊपर जाए या नीचे जाए, SIP को बंद नहीं करना चाहिए। अगर आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा उठाना है तो समय देना पड़ेगा। तो SIP को छेड़छाड़ मत करिए। अगर आपको लमसम करना है तो मैंने सारे आपको रिस्क और पैरामीटर और वैल्यूएशन रेशियो भी मैंने आपको बता दिया कि मार्केट का हेल्थ देख के डिसीजन लेना है कि आपको लमसम करना है या नहीं करना है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर वो लोग भी लमसम करना चाहते हैं, कुछ पैसा बचा रखे हो 50,000-1 लाख, तो उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी राइट डायरेक्शन में इन्वेस्ट कर सके। और हाँ, आप अपना फ्री में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप अपना फ्री में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू।